हाय, मैं हूँ डॉक्टर चिंतन बी पटेल। मैं बेरियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन हूँ किरण हॉस्पिटल सूरत पे। अक्सर काफ़ी सारे लोग पाइल्स बवासीर मसे यानी हिमरॉइड्स की बीमारी से पीड़ित रहते हैं, और जब अर्ली स्टेज की बीमारी रहती है या फिर हिमरॉइडल क्राइसिस रहता है तो अक्सर सर्जन्स टैबलेट डेफलोन प्रिस्क्राइब करते हैं। जी हाँ, ये टैबलेट डेफलोन है और कुछ दूसरी ब्रांड्स है जैसे कि टैबलेट डेजोफ्लेव। ये सब जो प्रोडक्ट्स है इसमें क्या कंटेंट है, मेडिसिन कैसे काम करता है, इसका क्या सही डोज है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स है, कब तक इसे यूज करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ है कि नहीं, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे टैबलेट डेफलॉन के बारे में, और वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसी अलग ब्रांड्स भी आपको बताने वाला हूँ जो मार्केट में अवेलेबल है इन केस आपको टैबलेट डेफलॉन नहीं मिलती है। तो टैबलेट डेफलॉन की बात करते हैं। टैबलेट डेफलॉन में जो कंटेंट है वो माइक्रोनाइज्ड प्योरीफाइड फ्लेवोनाइड फ्रैक्शन, यानी ये जो इसके जो केमिकल है, जो इसकी मेडिसिन है, इसके पार्टिकल साइज इतनी छोटी की जाती है जिससे आसानी से खून में एब्जॉर्ब हो जाए ताकि कम डोज में ज्यादा असर आए। तो इसमें जो दवाई है वो है 90% है वो डायोस्मिन है और 10% है वो हेस्पेरिडिन है। हेस्पेरिडिन एक नेचुरल तत्व है जो कच्चे संतरे के छिलके में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डायोस्मिन है वो हेस्पेरिडिन में से बनाया जाता है। तो एक काम कैसे करता है डायोस्मिन और जो हेस्पेरिडिन, ये जो केमिकल्स है, जो ये तत्व है जो ये प्रोडक्ट में अवेलेबल है, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो विनस टोन है, जो खून की नसें की जो दीवार है, इसका टोन को स्ट्रांग करता है जिससे दीवार मजबूत होती है। जब दीवार मजबूत होती है तो बार बार फटने के आसार कम हो जाते हैं। जो खून के नसों में जो प्रेशर है वेन्स में खास करके, ये प्रेशर को कम करता है, माइक्रो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है जिससे पतली नसों में खून का जमाव नहीं होता है, और जिसके कारण जो मसे बवासीर ये जो बीमारी है इसमें जो खून के जो गट्ठे बन जाते हैं उसके चांसेस कम हो जाते हैं। लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है, इसके कारण ये वेरिकोज वेन्स में भी बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोडक्ट सूजन को कम करता है, कैपिलरी लीकेज को भी ये कम करता है। तो ये आमतौर पे वीनस अल्सर यानी वेरिकोज वेन्स के वजह से जो छाले हो गए पैर में और वो ठीक नहीं हो रहे तो उसमें ये प्रोडक्ट यूज की जाती है। अर्ली स्टेज ऑफ हिमरॉइड्स में अगर यूज करते हैं तो चांसेस है कि शायद आपको ये बीमारी कंप्लीटली गायब हो जाए, अगर ये साइज कम है तो ही, और अगर आपको अचानक से मसे बाहर आ चुके हैं तो ये हिमरॉइडल क्राइसिस में भी ये यूज की जाती है प्रोडक्ट। तो वेरिकोज वेन्स, बवासीर, मसे यानी पाइल्स, ये बीमारी में खास ये यूज की जाती है ये प्रोडक्ट। तो इसका डोज क्या है, यदि अचानक से आपको पाइल्स बाहर आ गए या फिर अचानक से सूजन बढ़ गई है, ज्यादा तकलीफ हो गई है, और यदि आपने सर्जन के पास चेक कराया है, तो जनरली जो स्टार्टिंग डोज रहता है वो है 1 ग्राम की टैबलेट, यानी अगर 1000 मिलीग्राम की टैबलेट है, 1 ग्राम की टैबलेट है, तो दिन में 3 बार लेनी है 4 दिन के लिए, और फिर बाद में आपको 1 ग्राम की टैबलेट 2 बार लेनी है 3 दिन के लिए। ये इसका स्टैंडर्ड डोज है। एकदम जरूरी है कि आप सर्जन के पास बराबर से चेकअप करा लीजिए। यदि आपको कोई अलग बीमारी है, कोई गुदेद्वार की जगह पे, मलद्वार की जगह पे कोई अलग इश्यू है, तो ये टैबलेट आपको ज़्यादा यूजफुल नहीं रहने वाली है। और यदि ये प्रोडक्ट से आपको 10-15 दिन में राहत नहीं मिल रही है तो हम रिकमेंड करेंगे कि वापस आप अपने जनरल सर्जन के पास चेकअप करा लीजिए। यदि आपको फायदा मिल रहा है तो बहुत बार बाद में 1 हफ्ते के बाद इसका जो मेंटेनेंस डोज रहता है वो है 1 ग्राम की टैबलेट, 2 महीने तक भी हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं यदि आपको रिजल्ट मिल रहा है तो। तो ये थी कुछ डोजेज के बारे में बातें। तो अभी बात करते हैं क्या ये प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में यूज कर सकते हैं कि नहीं। काफी सारा लिटरेचर मैंने सर्च किया और ऐसा देखने में आया है कि ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी में इसे अवॉइड करना अच्छा रहता है क्योंकि ज्यादा लॉन्ग टर्म डेटा अवेलेबल नहीं है कंपनी के पास। इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, जनरली आमतौर पे उल्टी जैसा होना, डायरिया जैसा होना, वॉमिटिंग, पेट में गड़बड़ होना, ये सब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स
कुछ मरीज को हो सकता है, तो फिर इसका डोज कम करना पड़ सकता है या इसे स्टॉप करना पड़ सकता है। तो कंपनी का मानना है कि ये डेफलॉन प्रोडक्ट या फिर ये डायोस्मिन हेस्परिडिन जो अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट से इनल डिस्कम्फर्ट कम होता है। मलद्वार के जब अगर किसी को ज़्यादा खुजली है तो ये आपको कम करेगा, सूजन कम करेगा। अगर आपको दर्द है या डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको वो चांसेस भी कम हो सकते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस भी कम होंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है और तजुर्बा है उसमें हमने देखा है कि यदि आप अर्ली स्टेज में ये मेडिसिन का यूज़ करते हो, खास करके ग्रेड वन और ग्रेड टू हिमरॉइड्स, उसमें ये प्रोडक्ट काफ़ी यूजफुल है। या फिर हिमोरॉइडल क्राइसिस यानी अचानक से बवासीर में खून के गड्ढे हो गए या अंदर का इंटरनल हिमोरॉइड प्रोलैप्स होके बाहर आ गया, तो अर्ली स्टेजेस में थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस, जनरल सर्जन के पास एक प्रोक्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ये बहुत ही जरूरी है। इससे आप रिप्लेस नहीं कर सकते मेडिसिन से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज है आपके लिए। तो डेफिनेटली एक चेकअप बहुत ही जरूरी है जनरल सर्जन के पास, जिससे आपका डायग्नोसिस एकदम परफेक्ट हो और आपकी ट्रीटमेंट एकदम सेफ हो, कहीं कुछ और बीमारी हो और आप नजरअंदाज ना कर लो। तो अंत में मैं बात करूंगा कि कौन सी अदर ब्रांड्स है जो मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट में टैबलेट डेफलॉन, जिसके बारे में हमने बात की, ये 500 मिलीग्राम के टैबलेट फॉर्म में है, 1000 मिलीग्राम के टैबलेट डोज में भी ये उपलब्ध है। फिर टैबलेट डेजोफ्लेव है जो एबॉट कंपनी से है, और थर्ड प्रोडक्ट है टैबलेट वेनुस्मिन जो 300 मिलीग्राम 900 मिलीग्राम के डोज फॉर्म में अवेलेबल है इंडिया में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे कुछ और प्रोडक्ट्स या फिर कोई और हेल्थ टॉपिक्स के बारे में आपको जानने की उत्सुकता है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे आपको एक ऑनेस्ट एंड ईमानदार गाइडेंस देने के लिए। ऐसे और इंपॉर्टेंट हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए योर सर्जन हेल्थ चैनल।